हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इसका नाम है पीयूष मेहता सर की क्लासेस। इस चैनल को स्टार्ट करने का जो हमारा एम है वो बहुत स्पेसिफिक है कि कैसे आप लोग अपनी सक्सेस की ओर आराम से चलें और रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल को आप स्टार्ट से हटाते चलें। इस चैनल का जो एम है वो है आपके कॉन्फिडेंस को इन्हांस करना, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना और आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को भी एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना। स्टार्ट करने के लिए पहले जो हमको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक मॉरल की, और मॉरल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने स्टोरीज से आपको सक्सेस की ओर जाने के लिए कुछ अच्छे मॉरल कंसेप्ट बनाए हैं। ये उसी को एक्सप्लेन करने का हमारा 8th सेशन है और इसका नाम है शार्पन योर एक्स और हिंदी में है कुल्हाड़ी की धार। अब ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। पहले हम इस स्टोरी को सुनेंगे, उसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे कि ये स्टोरी आपके सक्सेस में कैसे एक स्मार्ट रोल प्ले करती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। एक बार एक वुड कटर रहता है जो एक जॉब सर्च में रहता है। अचानक से वो एक जंगल में जाता है, वहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कहता है आई एम अ वेरी गुड वुड कटर एंड आई वर्क वेरी हार्ड। तो जो ऑनर होता है वो कहता है लेट्स ट्राई। तो उसको एक एक्स देता है, कुल्हाड़ी देता है, और जंगल में बोलता है कि उस डायरेक्शन में जाओ और देखते हैं आप कितने पेड़ काट के ला सकते हो। तो वो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और 25 पेड़ काट के लाता है शाम तक। ऑनर भी खुश होता है, वुड कटर को भी लगता है उसने काफ़ी हार्ड वर्क करा है। नेक्स्ट डे जब वो वापस वुड कटिंग के लिए जाता है सेम डायरेक्शन में, तो इस दिन वो 20 पेड़ ही काट के ला पाता है। तो उसको लगता है हो सकता हो आज कुछ कम वर्क करा होगा। जब वो वापस थर्ड डे जाता है तो अब की बार जो पेड़ काट के लाता है वो रह जाते हैं दोस्तों 18। ऐसे कंटिन्यूसली 5-7 दिन तक उसकी जो काउंटिंग है वो डिक्रीज होती जाती है और वो 10 से 12 पेड़ पर पहुंच जाता है। अब उस वुड कटर को बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है नेगेटिविटी की कि शायद अब मैं इस काम को करने लायक नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है। पर वो जॉब छोड़ने के पहले एक बार सोचता है कि एक बार ओनर से डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने ओनर से बोलता है आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट अकॉर्डिंग टू मी, हार्ड वर्क इज़ ऑल डन बट स्टिल माई जॉब इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। तो ओनर उससे कहता है तुम सब कुछ सही कर रहे हो पर एक गलती कर रहे हो। तो उससे बोलता है क्या? तो बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने तुम्हारी एक्स को शार्प कब किया था, मतलब लास्ट टाइम आपने कुल्हाड़ी की धार कब लगाई थी। तो वुड कटर को याद आता है कि ये काम तो वो हार्ड वर्क में भूल गया था। तो दोस्तों कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी चलाने से और बहुत ताकत लगा के चलाने से भी आपने देखा कि उसके पेड़ों की गिनती कम होती गई। ऐसा ही सक्सेस का भी है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिली जाएगी ऐसा नहीं है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ बीच बीच में एक और टर्म लगानी होती है, उसका नाम होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। इसका आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप सब, हम सब स्कूल से पास आउट होकर निकले हैं। हमने देखा स्कूल में एग्ज़ाम होती थी तो एग्ज़ाम के पहले प्री टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट होते थे। वो सब क्यों होते थे? वो सब होते थे आपकी एक्स को शार्प करने के लिए, आपकी कुल्हाड़ी को धार देने के लिए, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे ही हम स्कूल लाइफ को छोड़ देते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव लाइफ में आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट ही तैयारी करके किसी एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं या लाइफ में डायरेक्ट ही किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे सक्सेस के चांस इसलिए कम हो जाते हैं कि बीच में कोई मॉक टेस्ट, कोई प्री टेस्ट या कोई कुल्हाड़ी की धार लगाने वाला तरीका नहीं होता। अब कैसे तरीका होता है और क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स आई विल सजेस्ट यू वेरी ईजी मैथड। जब भी आप हार्ड वर्क करें तो आप वीक डेज के हिसाब से करें। आप 6 दिन खूब मेहनत करें और 7वें दिन आप ये देखें कि आपने जो मेहनत करी है क्या उसकी डायरेक्शन सही है, क्या आप उस चीज़ को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, क्या आप उस नॉलेज को गेट कर पा रहे हैं, क्या नॉलेज सही है। जब आप एक दिन अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन में लगाएंगे, किसी आपके मेंटर से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस दिन आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप अपने एक्स को शार्पन करेंगे, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट मंडे आएगा उस दिन आपकी कुल्हाड़ी पर धार पूरी होगी और आपका हार्डवर्क आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो आज से जब भी आप हार्डवर्क करने की सोचें, बीच में अपने आप को टाइम दें सेल्फ एवेल्यूट करने का, ताकि आपकी सक्सेस में कोई कुल्हाड़ी की धार आपको कमज़ोर न कर सकें। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब भी आप चलें जीवन में, लाइफ में, तो हमेशा सेल्फ एवोल्यूशन करते हुए चलें, तभी आप सक्सेस की ओर जाएंगे। हमेशा अपने एक्स को शार्पन करके चलें। ओके गाइस, थैंक यू।